वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। सर, कर दिया, चलो पढ़ाओ। और दोस्तों, के मनाचो सब मजामा। तो यार, राम कथा डेवलपमेंट पे चल रही थी और इस एपिसोड में अपन कंपेयर करेंगे देश, यानी अपने भारत के तीन स्टेट्स हरियाणा, केरला एंड बिहार ऑन इनकम एंड अदर पैरामीटर्स ऑफ डेवलपमेंट। अब यार, कहीं तुम ये मत सोचने लगना कि केरला, यहाँ क्या करेले की खेती तो नहीं होती है। तो यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलो अब अपन कंपेयर करते हैं इन तीनों स्टेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, यानी कि एवरेज इनकम पर पर्सन पर ईयर। तो यारों, ये जो मैं डेटा दिखाऊंगा ना, ये बिल्कुल लेटेस्ट है, यानी कि 2020 का। तो ये एनसीईआरटी की बुक से मैच नहीं करेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में जो डेटा दिया हुआ है ना, वो है 2015 एंड 16 का। अब यार, ये एनसीईआरटी वाले लोग ना थोड़ा आउटडेटेड हैं। तो 2020 के डेटा के हिसाब से हरियाणा की पर कैपिटा इनकम है 264,207 रुपीज़, वहीं केरला की है 225,484 रुपीज़, और अपने बिहार की है 46,664 रुपीज़। तो अगर पर कैपिटा इनकम के हिसाब से अपन कंसीडर करें तो हरियाणा है मोस्ट डेवलप्ड स्टेट और ये अपना बिहारी बाबू है लीस्ट डेवलप्ड। बट जैसा कि हम जानते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, कंट्रीज़ की डेवलपमेंट में एजुकेशन एंड हेल्थ को भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। तो अब हम इन फैक्टर्स पे कंपेयर करेंगे, और सबसे पहले हम बात करेंगे IMR, यानी कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। तो IMR इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज ए प्रोपोर्शन ऑफ 1,000 लाइव चिल्ड्रेन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर, यानी कि वो बच्चे जो अपना फर्स्ट बर्थडे केक भी नहीं काट पाते हैं। तो चलो अब IMR के हिसाब से कंपेयर करते हैं। तो 2015-16 के डेटा के हिसाब से हरियाणा में 36 बच्चे एक साल के अंदर ही स्वर्ग सिधार जाते हैं, यानी कि अपना पहला बर्थडे केक भी नहीं खा पाए, और केरला में 12 बच्चे पैदा होने के एक साल के अंदर मर गए, और वहीं बिहार, यहाँ पे ये आंकड़ा 42 हो जाता है। अब बात जरा लिटरेसी रेट पे करते हैं। तो लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। तो हरियाणा का लिटरेसी रेट है 82%, केरला का 94%, और वहीं बिहारी का है 62%, यानी कि बिहार में 100 में सिर्फ 62 लोग ही पढ़ लिख सकते हैं। चलो तो अब अपन लोग इन तीनों जगह का नेट अटेंडेंस रेशियो देखते हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज ए परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रेन इन द सेम एज ग्रुप, यानी कि 14 एंड 15 साल के कितने बालक लोग स्कूल अटेंड करते हैं। तो हरियाणा में 61%, केरला में 81% और बिहार में 43% बालक लोग स्कूल जाते हैं। तो यार, इन सब से एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि सबसे दयनीय हालत बिहार की है, और इसीलिए तो यार, जो बिहार में पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो दूसरे स्टेट चले जाते हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये है कि यार, हरियाणा की पर कैपिटा इनकम तो केरला से काफ़ी ज़्यादा है, इसके बावजूद बेसिक हेल्थ और एजुकेशन में ये केरला के सामने बिल्कुल फिसड्डी ही है।
तो यार इससे एक बात तो पता चलती है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। अब तुम यार कितने भी पैसे वाले हो, चाहे फरारी खरीद लो मगर चलाओगे तो यार अपने देश की खड्डे वाली रोड पे ही ना, या फिर तुम्हारी फरारी हवा में उड़ने लगेगी। हाँ, अब अपना प्राइम मिनिस्टर को ही ले लो, अगर दिल्ली में उसको रहना है ना तो पॉल्यूशन तो झेलना ही पड़ेगा। तो इस सब का एक ही इलाज है कि पूरी कम्युनिटी को इन सब के लिए एक साथ आना पड़ेगा। जैसे यार मान लो कि तुम एक सोसाइटी में रहते हो और वहाँ पे क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है, तो तुम क्या करोगे? सब लोग अपना अलग अलग चौकीदार रखोगे या पूरी सोसाइटी के लोग मिल के 3-4 चौकीदार रखोगे? बोलो बोलो। जी हाँ, बिल्कुल सही तुक्का, पूरी सोसाइटी के लोग मिल के 3-4 चौकीदार रख लेंगे। और अब बस मैं भी चला अपनी बॉडी बनाने, आगे चल के एक अच्छा सिंसियर चौकीदार बन सकूं। अरे यार अपनी बीवी का। बाय बाय।